बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। आप देखना शुरू कर चुके हैं भेड़गाड़ पीपल्स वॉइस। बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों को लेकर आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, इस बात को लेकर मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि राजस्थान की बसपा प्रदेश इकाई की टीम पूरी तरीके से सक्रिय है। बीएसपी की राष्ट्रीय टीम के द्वारा मिले निर्देशों के बाद बसपा की राज्य इकाई आपको बता दें कि पूरी तरीके से सक्रिय है और बसपा के भगवान सिंह बाबा जो कि प्रदेश अध्यक्ष है वर्तमान में, उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती जी को आज हाईकोर्ट में जो कुछ भी सुनवाई हुई इस मामले की पूरी जानकारी दे दी है। आपको बता दें कि बसपा की तरफ से इस मामले का पूरा संज्ञान राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा देख रहे हैं और राज्य की प्रदेश इकाई और पूरी टीम भी देख रही है। आपको बता दें कि बीएसपी अध्यक्ष सुप्रीमो मायावती जी को पूरी जानकारी खुद बसपा अध्यक्ष मायावती जी को दी गई और भगवान सिंह बाबा ने यह जानकारी दी और भगवान सिंह बाबा इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कोर्ट के अंदर हुआ और क्या वो बयान दे रहे हैं, मैं आपको सुनवाता हूं। बीएसपी के जो महासचिव है सतीश जी की ओर से कि कांग्रेस पार्टी के साथ आप लोग विलय नहीं है और आप लोग उनके साथ नहीं जाए, उनके अगेंस्ट में वोट करना है, क्या कहेंगे और आज कोर्ट में भी सुनवाई है, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल हाईकमान ने जो भी निर्णय लिया है, जो व्हिप जारी किया है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर 6 विधायक चुनाव जीत कर आए थे और 6 की 6 आज कांग्रेस में चले गए। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उन 6 की 6 को कांग्रेस में मिला लिया और ऐसा राजस्थान में पहली बार नहीं हुआ है। 2008 में भी हमारे 6 विधायक चुनाव जीत कर आए थे और कांग्रेस ने उनको अपने साथ मिला लिया था। तो अब व्हिप जो जारी हुआ है सेंट्रल से, उसमें साफ लिखा हुआ है कि 6 विधायक क्योंकि बसपा के टिकट पर चुनाव जीत कर आए हैं तो कांग्रेस की किसी भी गतिविधि में वो भाग नहीं लेंगे और कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। तो सर, क्या आप लोग, आप जो 6 विधायक है उनको 1-to-1 व्हिप दिया गया है, क्या अब उनके साथ है या नहीं है, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारी हाईकमान, उन्होंने जो भी निर्णय लिया सोच समझ कर लिया और हम लोग माननीय बहन जी के दिशा निर्देशों पर यहाँ काम कर रहे हैं। जो भी आगे हमें दिशा निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार ही हम लोग काम करेंगे। अभी हम हाईकोर्ट